हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम ओ लेवल के एचटीएमएल का प्रोजेक्ट का पार्ट टू कंटेंट करेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, वेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियोज में हमने वायर फ्रेम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स आज हम लोग उसी वायर फ्रेम प्रोजेक्ट का पार्ट टू कंटेंट कर रहे हैं। सो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक कम्प्लीट हुआ था। स्टूडेंट्स, वायर फ्रेम नाम का फोल्डर था, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे वायर फ्रेम डिजाइंस नाम का फोल्डर था, इसी में मैंने अपनी फाइल्स को क्या किया था, रखा था। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले ओपन विथ पे जाके क्रोम में खोल के आपको इसका प्रोजेक्ट का डिजाइंस आपको दिखा देता हूँ कि आपने कहाँ तक अभी तक क्या किया था, पढ़ा था। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो। सो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, यहाँ तक हमने किया था, प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर लिया था। आपके सामने वायर फ्रेम डिजाइंस कंप्यूटर स्पीच चैनल की आप डिजाइन टेबल के माध्यम से मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया था। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से डिजाइंस को यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फोल्डर है जिसमें मैंने डिजाइंस को बना रखा था और आपको यही डिजाइन क्या करनी है, आपको यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे खोल देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो डिजाइंस हमें यहाँ पे बनाने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी आपने इसका वायर फ्रेम केवल क्या किया है, आपने यहाँ पे बनाया है। अब मुझे इनमें क्या करना है, कलर को फिल करना है, ठीक है। तो अगर मुझे कलर को फिल करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये कौन कौन से कलर हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर आप यही कलर पुट करना चाहते हैं तो आप यही कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से कोई कलर पुट करना चाहते हैं तो वो भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। सो मैं फ़िलहाल में कोई कलर यहाँ पे क्या करता हूँ, डाल देता हूँ, बाद में इसके कलर को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपना ये प्रोग्राम है, ठीक है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नोटपैड में स्टार्ट करना होगा। नोटपैड में स्टार्ट करने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है इसके ऊपर राइट बटन को क्लिक करोगे, ओपन विथ पे जाओगे और ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा होगा नोटपैड, देखो है कि नहीं, यहाँ पे इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, आपकी फाइल नोटपैड में यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। बस स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अभी जो हमने कल यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार किया था उसको आप देखिए, यहाँ पे ये पहला कॉलम, दूसरा और तीसरा, ये कहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये टेबल स्टार्ट था, इसका पहला टी आर यहाँ पे स्टार्ट है, तीन बार कॉलम स्टार्ट किया है, टी डी वन, टी डी टू यहाँ पे, और ये टी डी क्या है, थ्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले वाले में यहाँ पे कलर देना है, जैसे इस पूरे वाले में कलर देना है, तीनों कॉलम में मुझे कलर देना है। तो तीनों अगर कॉलम में अगर आपको कलर देना है स्टूडेंट, तो ये देखो टी आर की कोडिंग है, टी आर में बी जी अगर एट्रीब्यूट का प्रयोग करोगे, बी जी कलर एट्रीब्यूट का, आप यहाँ पे इक्वल साइन देके और जो भी कलर आप पुट करना चाहते हो यहाँ पे आप लिख दोगे, वो कलर वहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। देखो मैंने ब्लू राइट किया है और कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके फाइल को सेव करता हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रिलोड करते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर लग जाएगा, मैं रिलोड कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने रिलोड कर दिया है, आप ध्यान से देखो कलर लग गया कि नहीं यहाँ पे ब्लू कलर का, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला है, आप टी डी ध्यान से देखो, ये कहाँ पे है, तो देखो अभी दूसरा टी आर यहाँ पे चालू होता है, ठीक है, कितने कॉलम है इसमें, एक ही कॉलम है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 60 पिक्सल, ठीक है, तो तीन कॉलम के बराबर ही एक ही आपका क्या है, कॉलम है। अब इसी के टी आर में यदि आप यहाँ पे वीजी कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग करोगे, ऐसे वीजी कलर बराबर जो भी कलर का नाम है आप यहाँ पे पुट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे क्या करोगे, डाल दोगे। फॉर एग्जांपल मुझे ब्लैक दिखाना है, तो मैंने क्या लिखा, ब्लैक, कंट्रोल एस बटन को प्रेस करूँगा, फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है, फाइल सेव हो गई है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और रिलोड करता हूँ, तो आप ध्यान से देखो अभी ब्लैक कलर लगा कि नहीं लगा यहाँ पे,
ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से दो मैंने टीआर में कलर भर दिया है। तीसरा टीआर देखो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे, ये देखो टीआर, इसमें वीजी कलर लगाना है तो कैसे लगाओगे, इसी के भीतर जाओगी टीआर में और यहाँ पे लिखोगे वीजी कलर इक्वल टू डबल इंटेड कामा के अंतर्गत जो भी कलर पास करना है वो कलर पास कर दो। सपोज करो कि मुझे यहाँ पे येलो कलर पुट करना है तो मैंने येलो कलर को पुट किया। यहाँ पे कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ, फाइल को सेव कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो फाइल सेव हो चुकी है, मैं यहाँ पे जाऊँगा और रिलोड कर दूंगा तो आप ध्यान से देखो येलो कलर लग गया कि नहीं लग गया। इसी तरीके से इसमें अब देखो यहाँ पे लास्ट जो है आपका ये रह गया है। अगर इसमें अब कोई कलर आपको पुट करना है स्टूडेंट तो आपको इसके टीआर में जाना होगा। सो ध्यान से देखो चार टीआर यानी चार रो बने थे तो ध्यान से देखो आखिरी टीआर देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, है कि नहीं, यहाँ पे आखिरी वाला टीआर यहाँ पे, ठीक है। इसी में जाओगे, स्पेस डालोगे, बीजी कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग करोगे और इक्वल साइन आप यहाँ पे देकर, ठीक है, डबल इंटेड कमा के अंतर यहाँ पे जो भी कलर आपको देना है वो कलर यहाँ पे दे दो। सपोज करो कि मुझे रेड दे देना है तो मैंने क्या किया, रेड पुट कर दिया और कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ, फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल सेव हो गई है, मैं अपने ब्राउजर पे जाके इसे रीलोड करूँगा तो आप ध्यान से देखो नीचे यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे लग चुका है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो कुछ इस तरह की डिजाइन तैयार हो गई कि नहीं हो गई। पहले पिछली वीडियो में वायर फ्रेम को तैयार किया था और मैंने आज इनके सारे कॉलम्स में क्या किया, कलर को पुट कर दिया है। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट ये समझ में आ गया है। आप ध्यान से देखो अब मुझे क्या करना है, डिजाइन के हिसाब से ध्यान से देखो यहाँ पे आपको CS नाम का एक लोगो और नीचे यूट्यूब चैनल यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाना है। स्टूडेंट्स यह आप खुद बना सकते हो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में, ठीक है। मैं फोटोशॉप की ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग इसे जल्दी बना पाओगी। अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो फोटोशॉप का मैं जल्दी ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगा। अब ध्यान से देखो मैंने ये डिज़ाइन पहले ही फोटोशॉप में बना रखी है स्टूडेंट। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, ध्यान से देखो यहाँ पे देखो ध्यान से मैंने ये किया क्या है, लोगो यहाँ पे बना रखा है। मुझे क्या करना है, इस लोगो को अपने फोल्डर में रख लेना है। तो मेरा फोल्डर कौन सा था, वायरफ्रेम डिज़ाइन के नाम से, मैं इसी में इसे ड्रैग कर देता हूँ। जैसे ड्रैग करूँगा स्टूडेंट ध्यान से देखो ये इसमें लोगो आ चुका है। ध्यान से देखो ये इंडेक्स नाम की फाइल थी और ये लोगो आपका यहाँ पे आ गया है। बस अब कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है स्टूडेंट, मुझे अगर यह फ़ोटो, ठीक है, ये वाली लोगो यदि मुझे अपने यहाँ पे इसमें लगाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा इस TD के अंतर्गत, ठीक है। तो ये TD कहाँ पे है ध्यान से देखो, पहला रो है और कौन सी कॉलम है, दूसरा कॉलम होगा, तो दूसरा कॉलम है ध्यान से देखो, ये दूसरा ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरे वाले में यहाँ पे TD में आ चुका हूँ और मुझे इसी के भीतर IMG को क्या करना है, अपना सेट करना है, यानी हमने इमेजेस को क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है। सो मैं कैसे करूँगा स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखो। ओके मैं TD में आ चुका हूँ, मैं क्या चालू करूँगा यहाँ पे, IMG टैग को स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, IMG टैग को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ IMG SRC लिखूंगा, क्योंकि आप जानते हो इमेज लगाने के लिए HTML के अंतर्गत क्या लिखते हैं, IMG SRC क्या इसका एट्रीब्यूट है। इक्वल साइन दूंगा और फिर यहाँ पे इमेज का नाम यहाँ पे डाल दूंगा। तो इमेज का नाम क्या है, लोगो था और कौन सी फॉर्मेट की फाइल है या कैसे आप देखोगे, तो आप क्या करो इसी फोल्डर पे आप क्या करो चले जाओ, जो फोल्डर आपने यहाँ पे क्या किया है बनाया था। तो ध्यान से देखो यही लोगो है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा और ध्यान से देखिएगा अभी क्या दिखाया, PNG पोर्टेबल नेटवर्क फॉर्मेट की ग्राफिक्स है आपकी। ध्यान से देखो PNG फॉर्मेट की ये क्या है आपकी फाइल है, देखो PNG है कि नहीं, ठीक है। बस अब क्या करना है, PNG तो है आपको पता लग ही गया है, इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ और ध्यान से देखो डॉट लिख के PNG क्या करूँगा यहाँ पे टाइप कर दूंगा इसमें ऐसे PNG, ठीक है। हाइट इसका भी डिफाइन करके देखिए, हाइट बराबर क्या लिखो यहाँ पे 160 कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करवाइए, IMG को क्लोज कर दो ऐसे। ओके कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा फाइल को मैंने सेव किया है। मैं रिलोड करता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी कुछ इस तरीके से चेंज हो गया कि नहीं हो गया। ध्यान से देखो इसकी लंबाई बढ़ गई इस कॉलम की, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो इसकी चौड़ाई कितनी है, इस तरह की चौड़ाई कितनी लगाई है इसने यहाँ पे टोटल टेबल की।
80% है स्टूडेंट, तो इसी 80% को मैंने क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस 80% को मैंने तीन भागों में क्या किया था, यहाँ पे डिवाइड किया था, यानी तीन कॉलम में, ठीक है। तो तीन कॉलम में कितना कितना आप इसे दोगे, वो तो डिवाइड यहाँ पे किया नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, 80% को मैंने तीन भागों में क्या किया, बांटा, ठीक है। तो कैसे मुझे पता लगेगा कि कितना परसेंट किसको दूंगा, तो यहाँ पे ये बराबर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर आप ले लीजिएगा सीधे से, मैंने कैलकुलेटर का प्रयोग यहाँ पे किया स्टूडेंट, ठीक है। 80% को अगर तीन कॉलम में बांटना है, ठीक है, तो कैसे आप यहाँ पे कर पाओगे, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं कैलकुलेटर का यहाँ पे सहारा ले रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर को यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, कितने को बांटना है, 80 को, तो मैंने क्या दिखा यहाँ पे, 80 कितने से डिवाइड करना है, यहाँ पे कितने से डिवाइड करना है, 3 से, मैंने क्या किया, 3 से इसे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखो ऐसे, और यहाँ पे इक्वल साइन पे क्लिक करता हूँ, कितने में बटा, 26.66 में अगर बांट दूंगा तो यह 80% तीन भागों में बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बट जाएगा। बस स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पे, अब इसकी सीधे से विथ तीनों में 26.66 यहाँ पे 66 राइट कर दो। तो यहाँ पे विथ मैंने क्या किया, डबल यूटेड कामा के अंतर्गत लिखा 26 इस तरीके से 0.66% ऐसे डिफाइन कर दिया। सभी में डिफाइन करना है, सो मैं सभी के लिए कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और सभी में ले जाके क्या करता हूँ, ऐसे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, देखो मैंने सभी में पेस्ट कर दिया कि नहीं कर दिया यहाँ पे। ओके, अब सभी कॉलम क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो मैं कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने फाइल को सेव कर दिया और अपने ब्राउजर पे जाके इसे रीलोड करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सारे कॉलम, तीनों कॉलम बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। मैंने क्लिक किया, आप ध्यान से देखो आ गया कि नहीं, तीनों कॉलम बराबर बराबर भागों में। लेकिन यह इमेज हमारी सेंटर में आनी चाहिए थी स्टूडेंट, जो सेंटर में आपको नहीं दिख रही है, तब अब क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए स्टूडेंट कुछ करना नहीं, जो IMG टैग है उसको आप सेंटर टैग से क्या कर दो, लॉक कर दो कुछ इस तरीके से। सेंटर टैग चालू किया मैंने यहाँ पे, और क्या किया यहाँ पे, सेंटर टैग को यहाँ से क्या कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अभी देखो कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ, आप ध्यान से देखो, मैं रीलोड करता हूँ, मेरा इमेज सेंटर में चला जाएगा, सेंटर में आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसके नीचे ही मुझे क्या करना है, YouTube चैनल दिखाना है इस डिजाइन के हिसाब से। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, YouTube चैनल, तो वो कैसे राइट करोगे, ठीक है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये भी सेंटर में लिखा गया है YouTube चैनल यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सीधे से सेंटर टैग के अंदर ही जाके एक H1 नाम का टैग यहाँ पे क्या करता हूँ, या कोई मैं टेक्स्ट राइट कर देता हूँ सिंपली। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग को स्टार्ट करता हूँ, और फ़ॉन्ट टैग को क्या कर देता हूँ यहाँ से बंद कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसी के भीतर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट करता हूँ, इसी के भीतर मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल राइट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। और इसके फ़ॉन्ट के फेस में मैं फेस को बदल देता हूँ, फेस बराबर मैं इसमें संस सेरिफ कर देता हूँ, यहाँ से संस हाइफन सेरिफ कर देता हूँ, ठीक है। और इसके इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, तो इसका कलर मैं इक्वल साइन देके क्या कर देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। बस स्टूडेंट्स, कंट्रोल एस बटन को मैं प्रेस करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, सेव पे मैंने क्लिक किया, फाइल सेव हो गई है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो मैंने अभी डिजाइन तैयार किया है यही हमारी डिजाइन है, मैं यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो YouTube चैनल इधर आ गया और ये चीज़ इधर आ गई है, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे जो मैंने ये टाइप किया स्टूडेंट्स, मुझे इसे BR लगा के करना पड़ेगा, BR नहीं लगाएंगे तो उसके नीचे नहीं जाएगा। सो मैं यहाँ पे BR टैग को चालू कर लेता हूँ, और कंट्रोल एस बटन को अब प्रेस करता हूँ और सेव कर देता हूँ फाइल को, और अब रीलोड करता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, बिल्कुल नीचे उसके क्या हुआ, YouTube चैनल आपको शो किया,
स्टूडेंट्स इसका कलर वाइटर देखो यहाँ पे लिखा था, कुछ मिस्टेक हो गया था इसकी वजह से कलर इसका वाइट नहीं हो रहा था। सो मैं आर को हटा दूंगा और अब कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ, फाइल को सेव कर दिया और रीलोड करूँगा तो ध्यान से देखो अभी आपको यूट्यूब चैनल उसके नीचे आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सपोज करो कि आप इसे बोल्ड करना चाहते हो तो सिंपल है, इसके पहले बी टैग को चालू कर दो और फिर बी टैग को वहाँ पे क्या कर दो, लॉक कर दो। मैंने बी टैग को चालू किया और इसके बाद मैंने बी टैग को क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया है। देखो ध्यान से अभी क्या हुआ, अब ये बोल्ड हो चुका होगा। मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ तो ध्यान से देखो ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक की डिजाइन मैंने आप लोगों को स्टूडेंट यहाँ पे बता दिया है। अब मुझे इस तीसरे कॉलम की क्या करनी है, डिजाइन करनी है। तो तीसरे कॉलम के अंतर्गत स्टूडेंट ध्यान से देखो लिखा है यूट्यूब चैनल यहाँ पे, और इसके बाद कॉन्टेक्टस, और क्या लिखा है आपका यहाँ पे ईमेल आईडी लिखी है। सो स्टूडेंट इसको भी सारा सेंटर टैग में लिखना है मुझे। सो मैं क्या करता हूँ, तीसरे वाले कॉलम में जाता हूँ। तीसरा कॉलम कहाँ पे है, ये वाला है तीसरा कॉलम। मैं इसी के टीडी में क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर कर जाता हूँ। और सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग को चालू कर लेता हूँ सिंपली इस तरीके से, और फ़ॉन्ट टैग को मैं क्या करता हूँ यहाँ से लॉक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके। और इसी के अंतर्गत मैं क्या करता हूँ, राइट करता हूँ यूट्यूब चैनल, ओके। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या टाइप करना है आपको, यहाँ पे यू ट्यूब और इसके बाद क्या लिखा मैंने यहाँ पे चैनल, ठीक है स्टूडेंट। और इसी में फेस एट्रीब्यूट का प्रयोग करता हूँ और इसको कर देता हूँ डबल इंटेड कामा के अंतर्गत सन्स हाइफन शेरिफ, ओके दिया। और इसके फेस एट्रीब्यूट कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग करना है, और कलर कौन सा डिफाइन करना है आपको, यहाँ पे ब्लैक डिफाइन कर देना है कुछ इस तरीके से, ओके ठीक है। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ, आप ध्यान से देखो रिलोड करूँगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है यूट्यूब चैनल। सो अभी क्या करना है, इसे सेंटर में मुझे डालना था तो मैंने सेंटर टैग से इसे लॉक नहीं किया है। मैं सबसे पहले इसे सेंटर से क्या करता हूँ, लॉक करता हूँ। सेंटर टैग से मैंने इसे लॉक किया और इसके बाद सेंटर टैग को मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोज किया। ये ध्यान से देखो कुछ ऐसे, कंट्रोल एस बटन को प्रेस करूँगा और रीलोड करूँगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो अभी ये सेंटर में चला जाएगा, गया सेंटर में, ठीक है। इसको बोल्ड भी दिखाना होगा स्टूडेंट, तो यूट्यूब के पहले बी को चालू करो और फिर यूट्यूब के बाद में मैंने क्या किया, चैनल के बाद यहाँ पे बी को क्लोज कर दिया है। अब कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ और फाइल को क्या कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ। तो ध्यान से देखो यहाँ पे यूट्यूब चैनल इस तरीके से लिखा हुआ आया भी। आप क्या करो स्टूडेंट, इसके फॉन्ट को बदल दो, जो फेस है इसका, इस फेस को कैलेवरी कर दीजिए इस तरीके से, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका साइज बिल्कुल एक्यूरेट आपको शो कर देगा। मैं रिलोड करता हूँ, अब ध्यान से देखो साइज आए कि नहीं यहाँ पे कैलेवरी का, या फिर इस तरीके से छोटा हो के आपको यहाँ पे क्या हुआ, आ गया, ठीक है। कैलेवरी की स्पेलिंग ये है, सेव करता हूँ कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके, और अब यहाँ से रिलोड करता हूँ। आप ध्यान से देखो अभी स्मॉल टेक्स्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी के नीचे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है आपको यहाँ पे कॉन्टैक्टस, और इसके बाद क्या दिखाना है आपको यहाँ पे इस तरीके से ईमेल आईडी। बस कुछ करना नहीं स्टूडेंट, अपने नोट पैड की कोडिंग पे जाओ। आप सिंपली क्या करो, इस पूरी कोडिंग को कॉपी कर लो, ओके। इससे पहले कोडिंग करने से पहले बीआर टैग का प्रयोग कर लीजिएगा ऐसे, और जो कॉपी किया था आपने इसे इस तरीके से सेलेक्ट करके आप इसे कंट्रोल सी कर लो, और इसके बाद बीआर के बाद एंटर मार के इसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को क्या करो, बदल दो। तो यहाँ पे क्या लिखना था आपको, कॉन्टैक्टस, तो यहाँ पे आप टाइप कर दो कॉन्टैक्ट, और इसके बाद क्या लिखना है आपको एस, ठीक है इस तरीके से। यहाँ पे हाइफन का साइन देके अपना नंबर यहाँ पे क्या करोगे ऐसे राइट कर दोगे। तो कॉन्टैक्टस क्या है यहाँ पे, मैं राइट कर देता हूँ बाद, ओके स्टूडेंट। फाइल को मैंने सेव किया है, मैं रीलोड करता हूँ। आप ध्यान से देखो अभी इसके नीचे कॉन्टैक्टस आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से ईमेल आईडी अगर आपको दिखाना है तो सिंपल है, इसके बाद भी बीआर को यहाँ पे क्या करो, बीआर टैग को चालू करो ऐसे, और बीआर टैग को बंद करने के बाद जो था उसी को आप क्या करोगे यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, सिंपल है। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी में जो भी कुछ लिखना है आप लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी पुट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो। बस सिंपल स्टूडेंट, कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके सेव करता हूँ, और इसके बाद मैंने क्या कैसे रीलोड कर दिया।
ओके, अब ध्यान से खुद डिजाइन पैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गई कि नहीं होगी स्टूडेंट्स, बन गया अभी आपको यहाँ पे मिला बन के यहाँ पे। तो इतना तक मैंने आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट मेरे पास अभी इमेज नहीं है फर्स्ट कॉलम के लिए, सो आने वाली वीडियो में इसको जरूर बताऊंगा। अब इसके नीचे हम लोग नेफ बार की डिजाइन को क्या करते हैं, करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो, नेफ बार की डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें एक टेबल है और कितने कॉलम्स है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 और कितने कॉलम है, 6 कॉलम है। तो ये जो टेबल बना स्टूडेंट ये दूसरी रो में बना है। ओके स्टूडेंट, तो ये टेबल हमें क्या करना है, इसमें तैयार करना है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आप यहाँ पे जो हमारी कोडिंग है इसी के भीतर मुझे क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। तो ये दूसरा टीआर है और इस टीआर में एक ही कॉलम बनाया गया है। तो कोडिंग के हिसाब से आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ब्लैक दिया था मैंने टीआर, यही हमारी क्या है, टीआर है और यही वो क्या है, कॉलम है, ठीक है। मुझे क्या करना है स्टूडेंट, इसमें एक टेबल को स्टार्ट करना है जिसमें 6 कॉलम होंगे, एक ही टीआर होंगी और कितने कॉलम होंगे, 6 कॉलम। तो मैं यहाँ पे टेबल की कोडिंग को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। टेबल टैग को चालू किया यहाँ पे और टेबल को मैंने क्या किया है, यहाँ पे बंद कर दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। मैं टेबल में यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर एट्रीब्यूट को प्रयोग करता हूँ। बॉर्डर बराबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, डबल इंटर कॉमा के अंतर्गत 1 पास किया और मैं इसकी विथ क्या करता हूँ, 100% पास कर देता हूँ। मैंने विथ डाला यहाँ पे 100%, इस तरीके से स्टूडेंट्स। ये भले ही मैंने ऊपर 80% डाला है तो क्या हुआ, लेकिन इस यह टेबल के लिए यह दूरी 100% के लिए हो जाएंगी। मतलब यही दूरी जो मैंने उसमें 80% दिया है इस टेबल के लिए, ये नेस्टिंग टेबल है, सो इसके लिए पूरी दूरी क्या हो जाएंगी, 100% हो जाएंगी। 100% का क्या मतलब समझा आपने, मतलब यह दूरी इसके लिए 100% मानेगा टेबल हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 100% यहाँ पे पुट किया है। अब ओके, ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये हो गया। मुझे क्या करना है, इसमें एक टीआर को चालू करना है। तो मैंने यहाँ पे टीआर चालू किया और इसी के भीतर मैंने टीआर को क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया है कुछ इस तरीके से। ओके, ध्यान से देखो, नेस्टिंग टेबल बना स्टूडेंट, टीडी के भीतर मैंने टेबल बनाया यहाँ पे और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टीआर इसमें चालू कर दिया है, ठीक है। मैं थोड़ी सी इसमें स्पेस दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, एक ही टीआर चालू है, कितने कॉलम्स इसमें चालू करने हैं। तो डिजाइन के हिसाब से स्टूडेंट इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और कितने कॉलम यहाँ पे करने हैं, 6 कॉलम यहाँ पे आपको करने हैं। सो मैं टीआर को ऐसे कर लेता हूँ और इसमें 6 कॉलम क्या करता हूँ, टीडी के माध्यम से बना देता हूँ। टीडी चालू हुई, टीडी क्या हुई, क्लोज्ड हुई। सो स्टूडेंट 6 कॉलम चाहिए तो मैं इसी टीडी को कंट्रोल सी दबा के मैं 6 बार यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। 3, 4, 5 और एक कितने हो गए, 6 हो गए। तो कितने कॉलम्स बने स्टूडेंट यहाँ पे, 6 कॉलम क्या हुआ, बन गया। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करूँगा स्टूडेंट, फाइल सेव हो जाएंगी, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे सेव किया और मैं अपने यहाँ पे पेज को रीलोड कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, कितने कॉलम बने यहाँ पे, 6 कॉलम बने कि नहीं बने यहाँ पे, ठीक है। 6 कॉलम क्या हुए यहाँ पे, बन गए स्टूडेंट। लेकिन मैंने इसकी हाइट नहीं डाली है इस टीआर की या टीडी की, तो टीडी में हाइट डालना तो आपको कंपलसरी है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो हाइट तो आप इसमें डालोगे ही, कितना हाइट आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो इन सभी में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसमें हाइट ही पूछ कर देता हूँ, क्योंकि हाइट होगा तभी तो नज़र आएगा। तो हाइट बराबर मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे सभी में 60 क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। मैं इस एक को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी के द्वारा और मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे सभी के लिए क्या किया, पेस्ट किया, यहाँ पे भी पेस्ट किया और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये लास्ट है, इसमें भी मैंने क्या किया, इसे पेस्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट, हाइट तो मैंने सभी के लिए पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, विथ की स्पेलिंग यहाँ पे गलत थी स्टूडेंट, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा था, यहाँ पे टेबल जो था वो पूर्ण रूप से आपको शो नहीं कर रहा था। देखो टेबल यहाँ पे दिखा रहा था कुछ ऐसे, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसकी विथ की स्पेलिंग को सबसे पहले सही करता हूँ। तो विथ की स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे WTH होगा ऐसे। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करूँगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, अभी जैसे मैं रीलोड करूँगा मेरा यह टेबल पूरे इसके ऊपर बन जाएगा। देख ध्यान से देखो, अभी 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और 4 5 6 कॉलम बन गए कि नहीं बन गए यहाँ पे, और सभी की हाइट भी उतनी ही हो गई स्टूडेंट्स। अभी
मुझे क्या करना है, एसटीआर में बीजी कलर एट्रीब्यूट का प्रयोग करना है। वाई ऐसा इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि ध्यान से देखो सभी में बीजी कलर क्या लगा है, वाइट लगा है इन सभी में। तो मैं क्या करता हूँ, एसटीआर में बीजी कलर क्या करता हूँ, वाइट दे देता हूँ। तो बीजी यहाँ पे लिखूँगा कलर और बराबर क्या कर दूँगा, यहाँ पे वाइट इसमें क्या करूँगा, पुट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ, फाइल सेव हो जाएगी। अब ध्यान से देखो फाइल सेव हो गई, मैं रीलोड करूँगा स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो सभी में वाइट कलर इस तरीके से क्या हो गया, लग गया कि नहीं लग गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो इस डिज़ाइन के हिसाब से मुझे यहाँ पे होम, वीडियोज, इमेजेस और कॉन्टेक्ट्स क्या करना है, राइट करना है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, दो कॉलम छोड़ के ऐसा किया गया है, दो कॉलम छोड़ दिया कि नहीं, यहाँ पे देखो पहले दो कॉलम को छोड़ा है, बाकी इन चार कॉलमों में होम, वीडियोज, इमेजेस और कॉन्टेक्ट्स राइट किया गया है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ होम इसके लिए। ओके, और इस होम को मैं क्या करता हूँ, फ़ोन टैग से क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ कुछ ऐसे। इस तरीके से मैंने फ़ोन टैग को चालू किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, फ़ोन टैग को क्या किया, बंद कर दिया। फ़ोन टैग यहाँ पे चालू होंगी कुछ ऐसे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। आपने एक को तो लिख ही दिया है, पहले एक को आप यहाँ पे डेकोरेट करो। फ़ोन के फेस में आप क्या डालना चाहते हो स्टूडेंट, ये डाल दीजिए। तो फेस में मुझे यहाँ पे संत शेरिफ लिखना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा संत हाइफन शेरिफ, ठीक है। और इसके बाद मुझे कलर कौन सा प्रयोग करना है यहाँ पे, तो कलर तो मुझे ब्लैक ही यूज करना है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे कलर बराबर क्या लिख देता हूँ, डॉटेड डबल डॉटेड कॉमा के अंतर्गत ब्लैक यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ। मुझे होम को बोल्ड दिखाना है, तो मैं इससे पहले बी टैग को चालू करूँगा और इसके बाद बी टैग को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ स्टूडेंट, फाइल सेव हो जाएगी। आप ध्यान से देखो, मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ ऐसे दिखा भी आपको होम, ठीक है। होम को मुझे सेंटर में दिखाना है, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट मुझे टीडी की विथ भी क्या करनी है, देनी है। तो टीडी की विथ कितनी देनी है स्टूडेंट, पहले एक में क्या करो, ऐसे डिफाइन कर दो। तो मुझे इसकी विथ जो देनी है वो देनी है 120, ठीक है। ऐसे कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ स्टूडेंट और फाइल सेव हो जाएगी। मैं रीलोड करता हूँ, आप ध्यान से देखो कितनी लगी इसकी चौड़ाई, 120 हुई, 120 हुई कि नहीं यहाँ पे। लेकिन देखो होम यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ रहा है, जबकि मुझे इसे होम को सेंटर में चाहिए था। तो आप क्या करोगे, होम को केवल होम जो यहाँ पे लिखा है इसको सेंटर टैग से ऐसे लॉक कर दोगे स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो, होम को मैंने सेंटर टैग से यहाँ पे चालू किया और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंटर टैग से इसे लॉक कर देता हूँ कुछ ऐसे, ये देखो। अब क्या होगा, कंट्रोल एस बटन को प्रेस करता हूँ, अब आपका होम ऑटोमेटिकली सेंटर में शो करेगा। ध्यान से देखो आ गया कि नहीं यहाँ पे होम। लेकिन ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन सभी में कंटेंट राइट नहीं है। सो अभी क्या करोगे स्टूडेंट, ये देखो जो फ़ॉन्ट में जो टीडी पहली टीडी थी, यानी चौथी टीडी थी, ये ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाली टीडी चालू थी। तो इसके लास्ट वाली टीडी में अब जाओ, यहाँ पे बिल्कुल जो टीडी है, इससे पहले मैंने फ़ॉन्ट टैग को यहाँ पे बंद किया था। अब ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे बंद किया है कि नहीं बंद किया है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग बंद है। अब क्या करो, इस पूरी कोडिंग को यहाँ से लेकर फ़ॉन्ट तक क्या करो, कंट्रोल सी करके क्या करो, कॉपी कर लो। मैंने इसे सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से, ये ध्यान से देखो यहाँ तक कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सभी टीडी में ले जाके इसे क्या कर दिया, ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट हुआ और इसी तरीके से मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो इस वाले में भी जाके मैंने पेस्ट कर दिया इसे, और इसी तरीके से इस लास्ट वाले में भी जाके मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब कंट्रोल एस बटन को प्रेस करूंगा स्टूडेंट, लेकिन पेस्ट करने से पहले ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सभी में होम लिखा गया है। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करो तो क्या लिखा हुआ आएगा, सभी में होम, होम राइट यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से देखो मुझे क्या करना है, इनके नाम को यहाँ पे चेंज करना है। सो पहले वाले में तो होम रिटेन ही है, मैं होम के जगह पे यहाँ पे क्या राइट कर दूंगा, अभी बताइए। होम के जगह पे मुझे यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, जैसे वीडियो है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वीडियो, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस तो मैं क्या राइट करूँगा, यहाँ पे इमेजेस, ठीक है। और इमेजेस के बाद यहाँ पे आपको जो राइट करना है स्टूडेंट वो राइट कर दो, जैसे मुझे लिखना है कॉन्टैक्ट, ठीक है, इस तरीके से। और अस लिखना है, मैं कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके सेव करता हूँ फाइल को। ध्यान से देखो फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेव हो जाएगी। मैं रीलोड करता हूँ, अब ध्यान से देखो सब चेंज हो गया कि नहीं, होम, वीडियो, इमेजेस और कॉन्टैक्ट्स। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी ये मिस्टेक है, ध्यान से देखो
मैंने ऊपर वाले में इसकी चौड़ाई तो डिफाइन की है, जो होम वाला आपका दिख रहा है ये वाला होम वाला, तो इसके देखो साइज 120 है, लेकिन इन सभी में मैंने साइज यहाँ पे नहीं पुट किया है, इसकी वजह से ऐसी समस्या आ रही है। तो मैं सभी में विथ क्या कर दूंगा, 120 डाल दूंगा। कंट्रोल सी बटन को प्रेस करता हूँ और नीचे वाला टीटी में गए, यहाँ पे पेस्ट किया 120 इसकी चौड़ाई, इसकी भी चौड़ाई क्या करना है 120, और इसकी भी चौड़ाई क्या कर देनी है आपको 120 कर देनी है। अब कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, फाइल को आप सेव करोगे कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके, कंट्रोल एस बटन को प्रेस करके अपने फाइल को सेव किया। अब ध्यान से देखो, रिलोड करो, आप देखो यहाँ पे होम बना, वीडियोज बना, इमेजेस बना, कॉन्टेक्ट्स बना। सो स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, डिजाइन के पैटर्न पे हम लोगों ने यहाँ तक के सारे काम को कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा टेबल के माध्यम से मैंने वेबसाइट का यहाँ पे नैव बार कंप्लीट करवाया, ऊपर लोगो और यहाँ पे एड्रेस उसका मैंने शो कराया। स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियोज में इसके आगे कोडिंग को हम लोग करेंगे। सो कंप्यूटर स्पीड चैनल्स की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।